रंजीत तीन मूवी आ रही, किस टाइप की सर मूवी है ये? मैं तीन मूवी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट ये है कैसे कैसे एक हस्बैंड वाइफ के घर घर में एक वाइफ और हस्बैंड के कहानी होते हैं शादी के बाद, उसके बाद का उसके जो ज़िंदगी होता है, तो वो एक कहानी है। दूसरी कहानी है एक एड्स के ऊपर एक कहानी हम कर रहे हैं, जो आजकल के जो लड़का लड़की जो फैशन की दुनिया में, उसके बाद उसको कैसे वो एड्स होता है उसके ऊपर फिल्म कर रहा हूँ मैं। और एक फिल्म बना रहा हूँ जो एक युवा की शक्ति, जो नरेंद्र मोदी साहब ने बोले हैं जो युवा है तो ये दुनिया है, तो ऐसे ही युवा के ऊपर हम एक फिल्म बना रहे हैं। जो युवा शक्ति कितनी बड़े वो शक्ति होते हैं, जिनकी अगर युवा अगर बोले मैं सही में ये मैं युवा हूँ, तो शायद वो पार्लियामेंट से लेके सबको हिला सकते हैं। तो ऐसे ही फिल्म मैं बना रहा हूँ युवाओं के लिए, जो तीन ऐसा लड़का रहेगा उसमें, जिसमें धर्मेंद्र सिंह है, मैं हूँ और एक लड़का हम लोग चुन रहे हैं, जिसमें तीनों युवा मिलके कैसे कैसे पूरी हिंदुस्तान को कैसे कैसे वो जो गलत रास्ता पकड़ते हैं। आजकल सुना रहेगा आपने एमडी ड्रग्स, वो एमडी ड्रग्स जो है वो ये जो बाहर गांव से आ रहे हैं हमारे इंडिया में, ये 20 साल के बाद ये हिंदुस्तान ख़त्म करने वाले हैं। ये एमडी ड्रग्स ये आजकल के लड़का लड़की उसको ले रहे हैं, उसको उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जब उसको नहीं मिलता ये ड्रग्स, तब उसके दिल में वो क्या क्या बीतता है वो उनको ही पता है। तो ये जो आज हमारे मुंबई शहर में कैसे कैसे लड़कियाँ कैसे कैसे लड़का लोग आज डिस्को के अंदर ये सप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उस एमडी ड्रग्स ऐसे एक चीज़ है जिसमें हिंदुस्तान 20 साल के बाद खोखला हो जाएगा उनकी जो, क्योंकि एक लड़की अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो जब वो माँ बनेगी तब एक अपने बच्चा पैदा होगा, तो वो जब उनके खून के जो बच्चा जो पैदा होंगे उसके बाद जो वो जब बच्चा ऐसा पैदा होगा, मतलब उसके अंदर जोश नहीं रहेगा, उसके अंदर ताकत नहीं रहेगा। तो ये हिंदुस्तान को ख़त्म करने वाले ये एमडी ड्रग्स है, तो उसके ऊपर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ ड्रग्स के ऊपर, जो आजकल ये तीन युवा मिलके कैसे वो हिंदुस्तान को पूरा बदल देते हैं, और कैसे वो ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं उसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे उसको बाद में सलाखों के ये पीछे वो लेके जाते हैं। तो ऐसे ये कहानी जिसमें मैं धर्मेंद्र और ये तीन बंदा मिलके हम लोग ये फिल्म बना रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं इसमें रोल। और इर्स को जो फिल्म है जिसमें मैडम मेरे अपोजिट में कर रहे हैं, और जो आजकल के हस्बैंड वाइफ की जो कहानी है तो उसमें सपना के वो लीड कर रही है। तो ऐसे तीन फिल्म साथ में कर रहा हूँ, बस दुआ चाहिए आप सभी की, आशीर्वाद चाहिए, बस इस गरीब को दुआ चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू। सर सॉन्ग किस टाइप के होंगे सर उसके अंदर? साउथ अभी दामोदर राव जी जो है म्यूजिक डायरेक्टर हमारे, वही डिसाइड करेंगे ये तीन फिल्म में कैसा सॉन्ग सॉन्ग होगा, कैसे कौन कौन सिंगर है वो गाना गाएंगे, वो पूरी उनका लुकआउट है, क्योंकि वही हमारे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मेरा बड़ा भाई है, वही सब कुछ देखेंगे। सर शूटिंग वाट के शूटिंग कहाँ कहाँ करेंगे आप? शूटिंग मैं सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं गोवा में किया जाए, और मुंबई बेस मुंबई में और गोवा में, और मैं सोच रहा हूँ, और शूटिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं अगस्त एंड मतलब सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक, मतलब मेरी ड्रीम सिटी मुंबई है वो नगरी जब मार्केट में आ जाएगा और ये तीन फिल्म मेरा शुरू हो जाएगा। सर अपने दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? दर्शकों को यही मैसेज देंगे, नमस्ते नमस्ते आप सभी को नमस्कार, प्लीज़ 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 मेरी ड्रीम सिटी मुंबई नगरी आ रहा है सेप्टेम्बर एंडिंग में, तो प्लीज़ आप उसको देखिए, बहुत खूबसूरत मैंने मूवी बनाया है। और ये जो तीन मूवी जो मेरा बनाने जा वो मैं जा रहा हूँ उसके लिए आप दुआ कीजिए मैं तीन फिल्म बन जाए और आपके सामने बहुत जल्दी ये तीन फिल्म भी आ जाए और आप लोग उसको देखें और इन्जॉय करें।